हाँ, मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि ये आपको वाइड ओपन नजर आ रहा है कि अगर देखें आप नो कोड करते हैं सर आपकी रेंज क्या आती है, जीरो आती है ना, जीरो से स्टार्ट, जीरो आगे, जीरो मिनिमम है ना, नेगेटिव तो आ नहीं सकता, तो कहाँ तक इसकी रेंज जाएगी, इनफिनिटी तक, इनफिनिटी ये रेंज है इसकी। साथ समझ आई है इस चीज की? सर। ओके, अब आपको मैं ये पूछ रहा था सबसे कि अगर मैं आपको कहूँ ये क्वेश्चन सॉल्व करें क्या कर लेंगे, तो मैं शेयर करता हूँ। ये देखें साथ 14.1 पे आ गए हैं, ये आपको नजर आ रहा है, शेयर हो रही है बुक? हाँ, शेयर हो रही है बुक या नहीं हो रही? नहीं हो रही सर, सर। अभी नहीं हो रही। नो सर, नहीं हो रही। अच्छा, कर लेते हैं, ये देखें आप, शेयर होगी ये बुक? यस सर, सर, अब हो गया। अच्छा, इस बुक को देखें आप गौर से जरा, मैं आपको ये बात पूछ रहा था, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कर लेंगे इजीली? डोमेन, क्वेश्चन अब इसमें करना क्या है, साथ सुने, ये एफ ऑफ 0 0 का मतलब क्या है, क्या आपने एक्स और वाई की वैल्यू क्या पुट करनी है यहाँ पर, 0 0, नंबर व्हाट विल बी नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या चीज आ जाएगी, ऑफ कोर्स 4 0 0 वो भी 0 आएगा, 0 ही आएगी ना। यस अच्छा, जब आप माइनस माइनस वन और वन पुट करेंगे तो फिर आपके पास आउटपुट क्या आएगी, ये इजी है ना ये चीज तो। यस सर। अच्छा, इसी तरह ये तो इजी है कि वैल्यू आप पुट करेंगे आपके पास नेक्स्ट क्या चीज आएगी, ये तो इजी है। इसी तरह ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, ये देखें, ये लिमिट्स के नहीं, सॉरी, ये लिमिट्स नहीं, क्लास खत्म होती है तो नमाज पढ़ती हूँ। ये दरवाजा देखें, लॉक बंद ये कर दीजिए। देखें, दरवाजा भाई माइक ऑफ करें जी, ये देखें, 5 से 12 देखें जी, 5 से 12 देखें, मास डोमेन फॉर ईच फंक्शन, ये कहता है स्केच, साथ आपने स्केच नहीं करना, स्केच करेंगे टाइम लग जाएगा, अगर आप करना चाहें एक आध क्वेश्चन की करना चाहें स्केचिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखें, क्वेश्चन 6 देखें, क्वेश्चन 5 की क्या क्या डोमेन होगी, कैसे फाइंड करेंगे, ये देखें जी, क्वेश्चन 5 अगर आप इस पे देखें व्हाइट बोर्ड पे, ये कैसे फाइंड करना, साथ ये ऊपर क्वेश्चन जो नहीं किया था ये वही है, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू क्या होगा जी, वाई माइनस एक्स क्या होगा जी, साथ वाई माइनस एक्स माइनस टू, यही होगा ना। यस सर। तो माज इसकी डोमेन फाइंड करने मैंने क्या तरीका बताया था आपको कि वाई माइनस एक्स को इस तरह लिख लें, इक्वल टू जीरो लिख लें, सही नहीं? यस सर। और फिर क्या करेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, क्या ख्याल है? यस सर। ये भी वही वाली बात होगी, वाई इज ग्रेटर देन एक्स प्लस टू, ग्रेटर आर इक्वल, देखे ना फाद, अगर आप ये इसमें पुट करते हैं वन और इधर एक्स भी वन पुट करते हैं तो क्या होगा, वन इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा ना, थ्री। अब देखो, अब देखो यहाँ पे, ये देखो अगर यहाँ वन पुट करते हो, यहाँ भी वन पुट करते हो, तो ये क्या होगा, वन माइनस थ्री तो इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू, अंडर रूट में आ जाएगा, ये गलत है, इसलिए हमने कहा y is greater than, y is greater than or equal to x plus 2, ये इसकी डोमेन आ गई है साथ, और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज क्या होगी इसकी, 2 से ऊपर होगी। गुड, ये कैसे आपने सोचा, बिल्कुल सही सोचा, ये देखें, क्योंकि अगर आप इसमें x को 0 पुट करते हैं तो वो मिनिमम क्या आएगा, 2 आएगा, ऐसी है ना, बिल्कुल। तो इसमें देखे ना, एक्स को आप 0 पुट करते हैं, ये क्वेश्चन है ना, ये वाला के वाई माइनस एक्स माइनस टू, आपने कहा जी मैं एक्स को 0 पुट करता हूँ तो माइनस टू, और वाई को आप 4 पुट करते हैं या 2 पुट करते हैं,
तो टू माइनस टू, तो इसका मतलब है आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आपका क्या आएगा, जीरो से जीरो आ सकता है ना, टू माइनस टू क्या है, जीरो आ सकता है। Yes, sir. इसका मतलब है रेंज क्या है, जीरो से या टू से ऊपर होगी, आप कह सकते हैं टू से ऊपर कहां तक, इनफिनिटी तक, ठीक है जी। Yes, sir. अच्छा ये क्वेश्चन सिक्स की जरा बताएं मुझे, क्वेश्चन सिक्स का क्या सीन है, इसमें लॉग आ रहा है। हाँ ये देखें जरा, सॉल्व करें इसको, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू क्या है जी, नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फोर जी। अब इसमें अगर आप डोमेन देखें तो क्या आएगी जी, आप अगर एक्स को जीरो पुट कर दें तो वाई को भी जीरो पुट कर दें तो क्या आएगा जी, नेचुरल लॉग माइनस फोर आएगा ना साध। Yes, sir. इसका मतलब है लेचर अगर माइनस फोर कुछ आंसर आएगा। इसी तरह अगर आप कुछ भी वन वन पुट कर लेते हैं, वन 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 पुट किया तो फिर क्या आएगा, माइनस टू आएगा। अगर आप टू टू पुट करते हैं तो क्या आएगा, फोर प्लस फोर माइनस फोर, तो नेचर लॉग फोर आएगा। तो इसका मतलब इसकी रेंज क्या आएगी, डोमेन क्या होगी, डोमेन डोमेन आप कुछ भी पुट सकते हैं ना। Yes, sir, पुट कर सकते हैं माइनस इनफिनिटी टू प्लस इनफिनिटी, और रेंज क्या आएगी इसकी, रेंज रेंज भी यही आएगी, क्यों भाई। यस सर बिल्कुल यही आएगी ना, नेगेटिव भी आ सकती है पॉजिटिव भी आ सकती है, क्या कह रहा साथ। यस सर रेंज भी यही आएगी, ओरिजिनल नंबर, ये बात समझ आई आपको। ये क्वेश्चन आपने 12 तक करना है साथ, ये नोट कर लें, कहां तक करने, 12 तक करने आपने, 12 तक। अच्छा जी उसके बाद अगला टॉपिक जो है ना हमारा, उसका नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, क्या नाम है जी, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। हाँ जी लिमिट्स, ये बड़ा इजी टॉपिक है, जो हमने पढ़ा हुआ वो रिपीट कर रहे हैं बेसिकली, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अच्छा साथ में ये बताओ ये लिमिट्स क्या चीज होती है, अगर जीरो पुट करते हैं या ऐसा नंबर पुट करते हैं जिससे क्या होता है डिसकंटिन्यूज होता है, तो ये लिमिट्स इसको कहते हैं। और कंटिन्यूटी क्या है, कंटिन्यूटी के अंदर हम आज आपको मैंने बताया था तीन स्टेप होते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, क्या होता है पहला स्टेप, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट क्या होना चाहिए एग्जिस्ट करना चाहिए, फिर लेफ्ट राइट लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट एग्जिस्ट और दोनों लेफ्ट और राइट क्या होना चाहिए, दोनों आप दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, दैट्स कॉल्ड कंटिन्यूटी फंक्शन। याद आया कुछ, ये जी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जी लिमिट्स की। लेट्स सपोज जी साथ हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसके ऊपर हमने लिमिट्स को अप्लाई किया, लिमिट्स क्या है जी हमारे पास, लिमिट है जी एक्स कॉमा वाई अप्रोचेस टू लेट्स सपोज x नॉट y नॉट है, ठीक है ना, और इसके ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं कोई नंबर आता है रियल नंबर, उसको हम कहते हैं कैपिटल L, डिनोट करते हैं कैपिटल L से, ठीक है। इसी तरह साथ ये 14.12 पे देखें नीचे, जब आप लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट पुट करते हैं तो क्या आता है, x ये क्या आता है x नॉट आता है, y की जगह क्या आता है मास, y नॉट आता है, k की जगह क्या आता है k आ जाता है, क्योंकि k क्या है मास कांस्टेंट नंबर है, इसलिए k आता है नंबर मास। जब आप क्यों आएगा 5 7, क्योंकि इधर x की लिमिट 1 भी क्यों हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट पे आप लिमिट अप्लाई करते हो तो वही आंसर आता है, कांस्टेंट ही आता है साथ। ये जब पॉइंट क्लियर है, यस सर ओके। अच्छा मास उसके बाद ये थ्योरम है, ये देख लें और से थ्योरम है ये, यस सर ये थ्योरम है, ये दो तीन में कराऊंगा बाकी आप खुद देख लेंगे। ये देखें थ्योरम्स क्या हैं इसके, बहुत सारे हैं, जैसे कि पहला थ्योरम है सम, जैसे मरियम जैसे हम कहते हैं लिमिट, ये देखें एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट या वाई नॉट, हम किसी फंक्शन पे अप्लाई करते हैं एफ ऑफ एक्स कमा वाई
तो आंसर क्या था हमारे पास, कैपिटल एल. क्या था साथ? कैपिटल एल. कैपिटल एल. दो दो फंक्शन है ना, एक एफ है दूसरा जी है, और दूसरे पे हम एक्स कमा वाई लिमिट अप्लाई करते हैं तो आगे से कोई लिमिट चेंज होती है, एक्स वाई नॉट होती है. वो फंक्शन जो है वो जी ऑफ एक्स है, उसका क्या आंसर आता है? एम आता है. क्या आंसर आता है जी? मास. एम आता है. एम आता है. अब पहला रूल जो है मास वो मैं कराऊंगा, बाकी आप मुझे खुद समझाएंगे. सम रूल है. पहले रूल का क्या नाम है? सम रूल. सम रूल. सम रूल ये है मास के आपके पास दो फंक्शन है, एक है जी एफ ऑफ एक्स कमा वाई है प्लस दूसरा क्या है जी ऑफ एक्स कमा वाई है. दूसरा क्या है जी? जी ऑफ एक्स कमा वाई है. अब मास जब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हो एक्स कमा वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, तो आंसर क्या आएगा मास? जब तुम एफ ऑफ एक्स कमा वाई पे अप्लाई करोगे आंसर क्या आता है? क्या आता है? एल आता है. एल. कैपिटल एल प्लस. मरियम जब आप जी पर अप्लाई करते हो लिमिट तो क्या आंसर आता है? एम. कैपिटल एम. तो मास क्या आया? एल प्लस एम. लेट्स सपोज मास इसके ऊपर अगर मरियम कहती है सर यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कमा की जगह पर सर टू एक्स है, और यहाँ पर सर जी एक्स की जगह पर सर थ्री एक्स है, सर यहाँ पर थ्री वाई है, सर यहाँ पर ना एक्स की वैल्यू वन है और यहाँ पर वाई की वैल्यू सर वन है, तो मास क्या आएगा? टू टू प्लस वन हो जाएगा ना, टू प्लस थ्री हो जाएगा. आंसर क्या आएगा? टू प्लस थ्री इज इक्वल टू क्या? फाइव होगा. अच्छा मरियम ये तो था सम, डिफरेंस में क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस लिख लेंगे. क्या करेंगे? माइनस. बिल्कुल. डिवाइड में क्या करेंगे? ऑब्वियसली डिवाइड करें. बिल्कुल. एक एफ ऑफ एक्स ऊपर हो जाएगा, जी ऑफ एक्स नीचे हो जाएगा. मास ऐसे होगा ना? यस सर. लिमिट अप्लाई करो यहाँ पर. लिमिट अप्लाई होगी तो क्या आएगा? एल डिवाइड बाय एम हो जाएगा. ऐसी है मास. Yes, अब मास ये सारी चीजें करने के बाद आपके पास अगर आप कांस्टेंट मल्टीपल करें, कांस्टेंट मल्टीपल, कांस्टेंट किसी कांस्टेंट के साथ आपको के को मल्टीप्लाई करें, एफ ऑफ एक्स कमा वाई पर लिमिट अप्लाई करें, तो मास क्या करेंगे? लिमिट अप्रोचेस एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नॉट वाई नॉट, तो क्या आएगा आंसर? के तो कांस्टेंट आ जाएगा साथ, यहाँ क्या साथ क्या आएगा? एल आएगा. एल आएगा. एल आएगा. के एल आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा. ऐसी है मास. अच्छा मास प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल इस पर देखें, बुक पर देखें, जल्दी जल्दी करें साथ साथ. प्रोडक्ट रूल में ये होगा, डॉट हो जाएगा ना बीच में, तो एल डॉट एम हो जाएगा. क्वेश्चन रूल में क्या करेंगे? एल ओवर एम हो जाएगा. पावर रूल क्या होगा मास? पावर रूल. पावर रूल क्या होगा? पावर. ये साथ के फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कमा वाई है, इसके ऊपर आपने लिमिट अप्लाई करनी है, एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, वाई अप्रोचेस टू वाई नॉट, और यहाँ पर आपने क्या कह दिया, ये लिमिट से इस पर अप्लाई करें, और इसकी पावर जो एन है, तो क्या आएगा? एल की पावर क्या हो जाएगी? एन हो जाएगी. ये रूट्स में क्या करेंगे? रूट्स में अंडर रूट में आ जाएगा. रूट्स में जो भी करेंगे अंडर रूट में आ जाएगा. बिल्कुल सही कह रहे हैं. ये लिमिट्स समझ आ गई सबको भाई? यस सर. यस सर. ये पहला क्वेश्चन है जी. yes, साथ ये पहला क्वेश्चन कौन करेगा जल्दी? ये देखें क्या करेंगे मरियम. ये x अप्रोचेस y अप्रोचेस 01. x की वैल्यू क्या है यहां पर? 0. और y की वैल्यू क्या है? माइनस थ्री आ जाएगा. ऐसी है. ठीक हो गया. अब देखें जी एक्स एक्स वाई अप्रोच टू थ्री माइनस फोर. थ्री का स्केयर ले लिया, माइनस फोर का स्केयर लिया, थ्री थ्री नाइन और फोर फोर सिक्सटीन, ट्वेंटी फाइव आ जाएगा. कितना आ जाएगा? फाइव आ गया. हो जाएगा ना ये? यस सर. साथ मुझे ये क्वेश्चन करके दो, ये वाला. ये क्वेश्चन कौन करेगा? ये वाला. ये एग्जांपल टू करें जी. कैसे करेंगे? मां एग्जांपल टू कैसे करेंगे? मैंने क्लास में शायद कराई भी थी उधर. इसको रैशनलाइज कर लेंगे. क्या करेंगे बेटा? रैशनलाइज करेंगे ना इसको. रैशनलाइज करेंगे. बिल्कुल रैशनलाइज करेंगे. अगर उमर अगर सही मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे. x स्क्वायर माइनस xy डिवाइड बाय अंडर रूट x. बिल्कुल सही बात कर रहे हैं उमर. उमर रैशनलाइज करेंगे. ये जो डिटरमिनेंट किरण, ये जो जो डिनोमिनेटर में अवेस, इसको यहां के प्लस करते हैं यहां पर x प्लस ऐसे, और इसी को डिवाइड भी करते हैं, नीचे डिवाइड कर देंगे उसी तरह, और फिर इस ऊपर वाले को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, x square x y into under root x
प्लस अंडर रूट वाई, नीचे क्या करेंगे जी, अंडर रूट एक्स का स्केयर, क्यों जी मास, माइनस अंडर रूट वाई का स्केयर, ये से कैंसिल मास, ये क्या बचेगा, ये आएगा जी यहाँ पर कर लेते हैं एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई, नजर नहीं आ रहा व्हाइट बोर्ड अब, कैमरा थोड़ा सा नीचे नीचे करें थोड़ा सा, ये देखें बच्चे, तो ये आ गया एक्स वाई, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, नीचे क्या आ जाएगा जी, एक्स माइनस वाई आ जाएगा, क्यों मास, ये देख लें यही आता है, यहाँ देख लें। अच्छा यहाँ पे ना हमने स्टेप एक मिस किया है, उमर ने हमें इशारा दिया था कि सर इस तरह कर लें, यहाँ पे अगर x कॉमन ले लें इस वाले में, ये x कॉमन ले लें इनमें से, तो x कॉमन है क्या आ गया, x माइनस y हो जाएगा ना, क्यों भाई मास, ये इससे कैंसिल, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ऐसी है, तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली, ये क्या बच जाएगा, ये आएगा जी ऊपर आ जाएगा क्या, x इंटू अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y, ये आ जाएगा बस। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर लें जी, लिमिट क्या है, 0 0 0 0 है, आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा सर, क्या ख्याल है साथ, यस सर, हो जाते हैं क्वेश्चन, हो जाते हैं, हो जाते हैं, आगे ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे ये एग्जांपल, ठीक है, ठीक हो गया, हां कंटीन्यूअस का अभी पढ़ा लूं या नेक्स्ट में पढ़ा लूं, सर वो नेक्स्ट में कर लूंगा, चलो नेक्स्ट में पढ़ा लूंगा, एक कंटीन्यूअस के तीन पॉइंट होते हैं मास, एक होता है कि पहले लिमिट डिफाइन होना चाहिए, दूसरा होता है एग्जिस्ट करना चाहिए, तीसरा ये होता है कि वो लेफ्ट एंड राइट से इक्वल होना चाहिए, इसको कहते हैं कंटीन्यूअस, क्या कहते हैं, कंटीन्यूटी, ये मैं नेक्स्ट में पढ़ा लूंगा क्योंकि अहम अहम टॉपिक है, मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं आपको एक्सरसाइज लेके जा रहा हूं जी, ये मुझे कौन करके देगा जी, ये वाली एक्सरसाइज, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 करके दें जी, मरियम आप क्वेश्चन नंबर 2 करें, कॉपी पेपर करें, मुझसे साथ मेरे शेयर करें स्क्रीन, बाद आप क्वेश्चन नंबर ऑन कर दें, हैं अटेंडेंस भी ऑन कर दें, अच्छा अटेंडेंस ऑन करो, माज आप क्वेश्चन नंबर ऐड करें, साथ आप क्वेश्चन नंबर 9 करें और मेरे साथ शेयर करें साथ, अवेस अवेस फाद क्वेश्चन नंबर 11 करें आप, किरण क्वेश्चन नंबर 11 करूं, अवेस फाद और किरण क्वेश्चन 11 करें, और उधर से जो जो बच गया सीनियर बच्चा, क्या नाम उसका, सर मैं हसीब, हसीब एक और सीनियर भी है सर, नहीं सर मैं सीनियर नहीं हूं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ मैं कौन सा करूँ, सीनियर कौन है वैसे और सीनियर लड़का, क्या नाम बिलाल, है बिलाल, बिलाल जी सर, बिलाल 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 और ये असीब, क्वेश्चन नंबर आप करें जी 7 करें जी, क्वेश्चन 7 करें जी, जी ठीक है, ओके सर, ठीक है जी, और ये और कोई बच्चे हैं, क्या नाम है उनका, नाम जी, अजी मैं बच्ची हूँ, कौन मरियम, आयदा, क्वेश्चन 8 करें जी, क्वेश्चन 8 करें आयदा, और भी बड़े बच्चे हैं चुप कर बैठे हैं, बोलते नहीं आगे से, इनको डबल जुर्माना करना पड़ेगा, अली एहसन हो गया जी, अली एहसन दनियाल अफंदी हो गया जी, और यस सर उमर असगर, उमर असगर आप क्वेश्चन नंबर करें जी 4 थर्ड कर रहा हूं, आपने बताया, अच्छा अफंदी दनियाल चला क्वेश्चन नंबर 4 करें, 4 क्वेश्चन नंबर 4 करें, 4 ओके सर, फतिया फतिया उमर फारूक, उमर फारूक कौन है जी, ये यस सर, ये कौन है, सीनियर लड़का है, हाँ जी सर, वो जो क्लास में नहीं आता वो तुम, वो यस सर, तुम किधर थे पिछले 3 लेक्चर में, ये मेरा नेट स्लो था सर जी, बच्चे तुम्हारी कभी गाड़ी का मसला होता है, कभी तुम वहां से जल्दी तुमने जाना होता है, अब क्या मसला है, अब तुम ऑनलाइन में, तुम्हें क्या मसला है, नहीं अब ऑनलाइन लेक्चर ले रहा हूं सर जी, क्वेश्चन नंबर 4 करो, यस सर, हां क्वेश्चन नंबर 4 करो, तुम्हारे साथ ये लड़का दूसरा, क्या नाम है इसका, ये मोहम्मद अवेस को दे दिया मैंने क्वेश्चन, किरण को भी दे दिया है, हां फतिया को दे दिया जी क्वेश्चन, हां ये क्वेश्चन नंबर तुम करो जी, अली हसन, अली हसन तुम्हें क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन 4 करें जी, जल्दी करें जी, मैं अटेंडेंस ऑन कर रहा हूं, जिसने कर दिया मुझे जल्दी बताएं, साथ मैंने स्क्रीन शेयर करनी है आपकी, जल्दी करें,
सर मैंने कर लिया। क्या नाम है बेटे आपका? सर हसीब। हसीब अपनी मैं तुम्हें कोर्स बनाता हूँ, स्क्रीन शेयर करो लैपटॉप से। मेरा भी हो गया। ओके सर। तो मेरा भी हो गया। ठीक हो गया जी, मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ मुझे एक मिनट दे दें। अभी आपकी 15 मिनट क्लास चलेगी क्योंकि मैंने क्लास लेट ज्वाइन किया, हमें 35 मिनट 40 मिनट पूरे करना होते हैं क्लास में। हाँ क्या नाम है तुम्हारा? ये सर नहीं, ये दूसरे का, ये जो कह रहा था कि अटेंडेंस नहीं लग रही। मास्टर सर। मास्टर अटेंडेंस लग रही है यार। मास ये देखो, मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ। माज ये अटेंडेंस गलत की हुई अकाउंट ना असल में। अभी ये कितने बजे से कितने बजे तक होती है? सर ये 4 से 5:30 तक होती है। 4 से 5:30। 4 से 5:30। 17 इसको मैं करूंगा 17। माज आप देखो, अब तुम्हें शो होगी अटेंडेंस। मैं देखता हूँ सर। देखो अच्छा जी, और कौन कह रहा था, किसने काम कर दिया? मैं स्क्रीन शेयर करूं इसको जी। सर मैं मोहम्मद हसीबुर रहमान। अच्छा, मैंने भी कर लिया उमर असगर। ठीक हो गया। मोहम्मद असीब को पहले बना लूं कोर्स जल्दी जल्दी। मोहम्मद असीब किधर है? जी सर इधर। मोहम्मद असीब खालिद, ये लें जी। मैंने आपको अमास भट्ट को, वैसे मैंने कोर्स बनाया हुआ अमास भट्ट को, ये लें जी मैंने आपको कोर्स बना दिया। असीब जल्दी करें। और किसने काम किया जी इसके बाद? तो मैंने कर लिया साथ साथ साथ। इसके बाद आप चेक करें, ये लें जी साथ आपको मैंने। ये जो लोग कोर्स बन रहे हैं, काम चेक करवा रहे हैं, सिर्फ यही लोग हैं मेरी क्लास में। ठीक हो गया जी, गुड हो गया मोहम्मद असीब। अच्छा बिल्कुल जी, मैं आपको मौका देता हूँ, टाइम है मेरे पास, मैं आपकी क्लास सारी आज बुलाऊंगा, टेंशन ना लें। सारे लोग आ सकते हैं अगर काम चेक करवाना चाहें तो। साथ आपका नाम नहीं आ रहा, साथ मंसूर, ये लें साथ, मैंने आपको कोर्स बनाया साथ, जल्दी चेक कराएं। आयजा इकबाल, आयजा इकबाल इसके बाद आप हैं। ओके सर जी। हाँ जी, ये देखें साथ का क्वेश्चन देखें जरा। गुड, जबरदस्त। देखें मास देख रहे हैं आप? यस सर देख रहा हूँ। दानियाल देख रहे हैं? ये क्वेश्चन नोट करें, कितना इसने बेहतरीन सिस्टम किया है। ये जो किरण जब आप पढ़ते थे एफएससी में या कैलकुलस में, लिमिट अप्रोचेस एक्स अप्रोचेस टू जीरो जब आप पुट करते थे तो साइन एक्स ओवर एक्स, ये क्या था? ये फार्मूला था इक्वल टू वन के, बिल्कुल ना, इक्वल टू वन होता है। और ई की पावर जब जीरो करोगे तो वन, वन डॉट वन। वेल डन साथ, ये तस्वीर बना लें जी साथ के काम की। ये आपको फार्मूले मिल रहे हैं, देखा काम शेयर से आपका काम सही हो रहा है। नेक्स्ट कौन सी आयदा? ये लें जी आयदा, मैंने आपको कोर्स बनाया। आयदा जल्दी करें जी। उमर असगर इसके बाद मैंने आपको कोर्स बना रहा हूँ। हाँ जी शो हो रही है, बिल्कुल जी सही काम किया आपने जी। आपने वन वन पुट किया और नेचर लॉग टू आपने ले लिया जी। नेचर लॉग टू जो होता है वो क्या होता है आपको पता ही नहीं, आपको कैलकुलेटर ने माइनस फाइव किया आपके, मैंने आपके पास कैलकुलेटर फिर नहीं आज। लिखो माज का नाम लिखो। अरे है कैलकुलेटर, क्यों नहीं है? तो आज इतने नेचुरल टू नहीं निकाला माज। नाम लिखो सर। हां नाम लिखे ना यार, ऐसे लोग काम नहीं करते, देखो ना कैलकुलेटर नहीं है इनके पास। अरे 0.69 आता है। अच्छा चलो ठीक है, बस किया माज नहीं लिखो। उम्र से काम शेयर करो जल्दी करो। स्क्रीन ऑफ करें जी आप, क्या नाम है इसका? ये उम्र असगर आ गया जी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, तो आपने थ्री को पुट किया और फोर पुट किया, बिल्कुल सही काम किया जी है उमर अजगर, वेल डन, गुड हो गया। उसके बाद कौन है नेक्स्ट जी? नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट अली हसन।
अली हसन को शेयर कराते हैं स्क्रीन, ये जो लोग शेयर करवा रहे हैं ना स्क्रीन, सिर्फ इनकी अटेंडेंस है, बाकी मास कुछ भी नहीं है, बाकी किसी की अटेंडेंस नहीं होगी, जो लगा रहे हैं उनकी भी एब्सेंट कर देनी है। और आपके पास दो मिनट रह गए अटेंडेंस, आप अपनी लगाएं जल्दी जल्दी। लगा लिए सर, सबने लगा लिए, सब लगाए जी, जो जिसकी रहती है लगाने, बाद में मैं अपने तरीके से। ऑप्शन नहीं आ रहा वहां पे, आ रहा आप चेक करो, आ रहा है जल्दी करो। अच्छा जी जल्दी करें, कौन स्क्रीन चेक कर रहा था, अली हसन जल्दी करें, अली हसन आप टाइम जाया कर रहे हैं मेरा, मैंने इतनी तक किसी और को बुला लेना था। सर जी नहीं आ रहा, आ रहा है भाई, क्या हो गया, अटेंडेंस लॉग कर दे, आ रहे लोड हो रहा है, आ रहे रिफ्रेश करें, इनको समझाएं यार, अली हसन आप चेक करवाएं ना यार, आप टाइम जाया कर रहे हैं मेरा, कौन अली हसन सर, एक मिनट बस, मेरा भी नहीं आ रहा अटेंडेंस का, आपने टाइम साढ़े पांच रखा है ना, वो हो गया इस वजह से, वो गायब हो गया। चलो मैं कर दूंगा, मुझे मैसेज कर देना जिसकी नहीं हुई, मास मुझे मास उनका मैसेज कर देना जिनकी अटेंडेंस नहीं हुई। सर सारे आए ना, अच्छा वो नहीं आए, अली हसन सर किसी और को कोर्स बनाते हैं, अली हसन कुछ भी नहीं है, अली हसन कुछ भी नहीं आता, स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा, और बनाए और सर की शेयर सेंड कर, और कौन है भाई, और सर ने बोले कि मरियम दिल कर लिए, वो ग्रुप में तस्वीर सेंड कर दे, नहीं नहीं ग्रुप में नहीं तस्वीर सेंड करें, वो स्क्रीन शेयर करेंगे ग्रुप में मैं नहीं मानता, स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन किसने किया और बताओ ना, फतिया दानियाल मरियम जुल्फकार, इनका काम नहीं आया अभी तक जी सर, मैंने उसामा, कौन है ये बिलाल सर, कैमरा ऑन कर रहा है बार बार भाई, ये अली हसन सर काम चेक करा रहा है, करा दिए जल्दी करो, ओ चेक करवा दे भाई, तू घंटा लगा दिया तूने, हसन फ्रंट कैमरे को उधर कॉपी की तरफ कर लो, अच्छा जी ये क्या काम है, चेक करें जी इसका, ठीक है जी जबरदस्त है जी, समझ आ गया, ठीक है गुड है, सही हो गया, फार्मूला खोल दिया इसने, और जी और किसने काम किया जी, माज आपका काम नहीं आया, दानियाल आपका काम, आपकी एब्सेंट आज जो काम चेक नहीं करवा रहे उनकी एब्सेंट है, मैं बता रहा हूँ बार बार, बिलाल 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 को बुलाते हैं जी, बिलाल किधर है, बिलाल रियाज ले जी, बिलाल मैंने आपको कोर्स बनाया, आफत सला आपका काम भी नहीं आया, दानियाल आपका काम नहीं आया, किरण आपका काम नहीं आया, मरियम आपका काम नहीं आया, ये जीरो इनकी एब्सेंट है सर, ये बता रहा हूं मैं, सर स्क्रीन शेयर हो गई, क्यों भाई स्क्रीन शेयर हो रही है, हो रही है भाई, हो रही है, लेकिन फायर करना, कौन सी फायर नहीं ना, उसका डबल क्लिक करो उसके ऊपर, नहीं हुई ओपन, सर मेरी तरफ से शो हो रहा है, ओपन हो गया, भाई नहीं है कैमरा से दिखा दे भाई, तेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, ओके सर, सर ये मेरे लैपटॉप में है तो, सर हो गया सवाल, ठीक है बुला लेना, काम देख लिया, किसका हुआ जी, किसका हुआ, अवैस साहब का हुआ है सर, मेरा दानियाल, दानियाल कराएं जी, अवैस ये क्या नाम है, ये जो शाहरुख खान, ये इनके कोई चक्कर नहीं आज, इनके अटेंडेंस एब्सेंट है इनकी, उमर फारूक मोहम्मद अवैस, कुछ स्टूडेंट्स ने ग्रुप में सेंड किया, उनसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, ग्रुप में नहीं करूंगा मैं चेक, ग्रुप में नहीं, इधर स्क्रीन शेयर करें, टाइम है मेरे पास, ग्रुप वाला चक्कर नहीं है यहाँ पर, 10 मिनट है आपके पास, आपको मैंने बना दिया भाई कोर्स, बना दिया शेयर करो ना, ये क्या किया भाई, नेचुरल लॉग 1/2 LN पीछे आएगा, LN E1 हो जाएगा, ठीक है ये तुमने कहीं से नेट से निकाला है भाई, LN पीछे आएगा, LN E1 हो जाता है, तो 1/2 आंसर आ जाता है इसका, समझ आ गई है सर, 1/2 ही आंसर लिखा हुआ है एंड पर, जरा जल्दी में लिखा है तो इसलिए
वो सही नहीं लिखी गया मेरे मेरे ये तो देखो ना मेरी तरफ देखो ये नेचर लॉग जब ऊपर होता है ना 1/2 ऐसे तो नेचर लॉग पीछे जाता है ln e होता है 1 तो 1/2 ये वाला आंसर आता है मैं ये समझा रहा हूं आपको ठीक हो गया मरियम ज़ुल्फ़िकार जी किरण अख्तर मरियम ज़ुल्फ़िकार ये कोई बोल नहीं रहे आगे से यार मोहम्मद उसामा क्या नाम है इसका माज आपका काम नहीं है माज अभी तक सर मैं घंटे से करके बैठा हूँ इतना तो लंबा सवाल ही नहीं था तो बताओ ना जो तुम्हें कोर्स बनाया हो तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो जी सर सर बता नहीं वो जरा कर दे उसका टेंडर सा कर दे पहले सर तुझे मैनुअल लगा ले वो ये मुझे भेजेगा ना माज मैं अभी लगा लेता हूँ जी सर कर लेता हूँ आखिरी 2 मिनट कर लेता हूँ अभी टाइम है जी माज बताए काम बताए सर मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट सर नजर आ रहा है क्यों भाई नजर आ रहा है इतना तो लंबा क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है बस सर यही था सिर्फ वैल्यूज ही पुट ठीक है सही है और किसने चेक कराना जी टेंडेंस में क्या मसला भाई मुझे बताएं सर वो आपने टाइम 5:30 रखा था ना तो वो 5:30 हो गया तो इस वजह से टाइम गुजर गया अटेंडेंस का तो वो वहां पे ऑप्शन नहीं आ रहा अभी अच्छा मैं लगाऊं अटेंडेंस या सर अब आप मौका कर सकते हैं अच्छा तो मुझे तो कोई काम चेक नहीं कराया उनकी मैं एब्सेंट करूंगा जिन जिनका काम नहीं है मरियम ये क्या नाम है किरण इनका काम नहीं मेरे नूर सबा ये कोई चक्कर नहीं है भाई क्या करना है इनका जमाल भी नहीं आया क्लास में आज अली हसन ने काम किया फतिया ने काम नहीं चेक कराया अभी तक फतिया किधर है बिलाल ने काम चेक करवा दिया बिलाल आपका नाम बिलाल अरशद है बिलाल रियाज बिलाल अरशद कौन है वो तो आता ही नहीं क्लास में उमर अजगर ने काम चेक करवाया मोहम्मद अवैस ने काम चेक नहीं कराया एब्सेंट लगा रहा हूं मैं जी मोहम्मद अवैस कौन है उमर फारूक काम नहीं चेक कराया जी उमर फारूक ने अहमद मनूर जी ये अहमद मनूर अहमद ये एब्सेंट इनकी जी आज ये आई नहीं सर असी फाद इखलास कौन है ये फाद ये चुप हो गए यार ये काम की बारी सारे चुप हो गए हमजा नूर ये एब्सेंट है जी ये आई नहीं सामा काम चेक नहीं कराया मोहम्मद सामा ने अभी भी आपके पास ऑप्शन है अटेंडेंस तो मैंने लगाई है सबकी लेकिन जो मुझे काम नहीं चेक करवा रहा ना अपना मास वो नहीं है मेरे नजदीक मतलब उनके आज के नंबर उनके जीरो हैं क्लास पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं उनकी ठीक है सर ऑनलाइन सारे हैं यहाँ पर लेकिन काम कोई नहीं चेक करवा रहा किधर है ये मोहम्मद किधर है ये भाई अवैस किधर है आयजा इकबाल काम चेक कराया आपने जी सर मैंने ये ग्रुप में मैं काम नहीं चेक करूंगा अच्छा बस ये जीरो हैं जब जो नहीं आया इनकी एब्सेंट लगाऊंगा मैं बाद में मोहम्मद उसामा उस्मान इसकी भी काम नहीं चेक कराया इसने चलो मैं कह रहा था कि मैंने पिछला सेशन जाना मैं अपलोड कर दिया ठीक है मास एंड करेंगे क्लास जी सर कर दें ये भी चलें ठीक है फिर ओके ओके सर ये करिएगा मास ये एक्सरसाइज 14.1 और 14.2 सही है जी सर ठीक है ओके सर सर जी मेरी अटेंडेंस नहीं लगी अभी तक लगा दिया मैंने नाम नहीं बोला सर लगा देंगे सर लगा देंगे लगा दिया मैंने चेक करें फ्रेश करके दोबारा चेक करें ओके सर अल्लाह ओके